हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेंसुरेशन के नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, 171 देखिएगा जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये देख लेते, पढ़ लेते हैं। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल कैसा वृत्त भैया? वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल भाई, हर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होगा जिसकी त्रिज्या, मतलब त्रिज्या जो है इसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या मतलब रेडियस, जिसकी त्रिज्या, क्वेश्चन ने बोले ध्यान से पढ़ा, चार वर्ग इकाई, ठीक है, चार यूनिट स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग, मतलब एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है जिसका जो है क्षेत्रफल कितना होता है भाई, ए स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया 4 यूनिट स्क्वायर, कोई भी यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 हो जाएगा, एक साइड निकल के आ गई 2। क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहे, जिसकी त्रिज्या 4 यूनिट स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की विकर्ण के बराबर हो। विकर्ण के बराबर है क्या? इसके विकर्ण के बराबर है क्या? इसकी रेडियस, तो विकर्ण निकाल सकते हैं, ए निकल आया, तो विकर्ण क्या होता है, ए रूट टू। वैल्यू पुट कर दें तो ए की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 2, और 2 रूट 2 निकल के आया विकर्ण, मतलब डायगनल। अच्छा, तो विकर्ण ही है हमारा क्या, रेडियस, तो R इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया भाई, R की वैल्यू आ गई 2 रूट 2। ऐसे वृत्त का एरिया पूछा है तो एरिया निकाल दो जी, पाई का पाई 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो पाई का पाई रहने देंगे, 2 2 जा 4, रूट टू में रूट टू का गुणा इंटू 2, तो फाइनल कितना आ जाएगा, 8 पाई, या फिर पाई 8 बोल सकते हैं, तो 8 पाई हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो इसमें कुछ नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। पाई ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑप्शन में पाई हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं, 172 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं जी, 172 में क्या बोला गया। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन ने बोला एक सम चतुर्भुज की बात हो रही है, मतलब रोमबस की। अब यहां पर रोमबस का क्वेश्चन फर्स्ट हमारे सामने फेस हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम पर हमारे सामने आया है। ठीक है, अब तक हमने 171 क्वेश्चन कर लिया, अभी तक एक भी रोमबस का क्वेश्चन नहीं आया था, तो अब यहां पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा रोमबस की कहानी। देखो, रोमबस की कहानी पढ़ते हैं, ध्यान से थोड़ी देर समझ लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर ही चलेंगे। जैसे कि मैंने बोला एक वर्ग है, समझना, ये एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, यह आप लोगों को पता है। ठीक है, ये 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 ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। अब एक आदमी आया गुस्सा में, अब गुस्से में आते आते उसने एक लात मार दी जी, ऊपर की साइड में लात मार दी, तो लात मारने पर क्या हुआ, आगे वाला जो हिस्सा है ना वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गया, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गया। सीधी सी बात है, कभी भी टेबल में मारना तो क्या होगा, अगर हल्की टेबल होगी तो उसका शेप टेढ़ा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब जो है उसने सोचा, ओ क्या बात है, नया शेप मिला हमें, और नया शेप कैसा था भाई, नया शेप ऐसा था, तो नए वाले शेप का नाम रख दिया रोमबस। ठीक है, इस रोमबस की कहानी क्या कहती है, इस रोमबस की कहानी क्या कहती है, ये देखते हैं। एक बात बताओ, जब किसी ने लात मारी आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, क्या ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये वाली भुजा है, ये वाली साइड है, क्या ये चेंज हुई,
भाई ये तो वैसी की वैसी है भाई, इन्हें चाहे यूं कर लो चाहे कितना मोड़ दो तो वो तो ए का ए ही रहने वाले हैं। तो मतलब ये ए ये है, ए ये है, ए ये है, ए ये, कहने का मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा समान है। तो मतलब पेरीमीटर वर्क का होता था 4a, तो मतलब रोमबस का भी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a। पेरीमीटर की बात करूं तो 4a होगा। ए क्या है यहां पे, ए है यहां पर साइड, क्या है यहां पे साइड है, ठीक है। तो पेरीमीटर तो निकल के आ गया। ओके अब बात करते हैं यहां पर जो एंगल होता था वर्क के केस में 90 का, अब यहां पे तो भाई एंगल पिचक गया, पहले यूं था अब ये पिचक गया, तो अब तो 90 का रहा ही नहीं भाई, 90 से कुछ ना कुछ कम होगा। लेकिन डायगोनल विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण की बात करें तो यहां से एक विकर्ण होगा और एक विकर्ण यूं होगा, ये डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल के केस में यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो ये तो अब 90 के तो रहे नहीं भाई, जब 90 के नहीं रहे तो याद रखना ये वाला जो एंगल है ये एंगल बराबर होगा इसके, इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये बराबर होगा इसके, ठीक है, ये एंगल ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। बीच में जो है 90 डिग्री पे कट करेंगे ये, ओके। और याद रहे जो बीच में पॉइंट से होकर गुजरते तो याद रखना डायगोनल को दो टुकड़ों में बाइसेक्ट करते मतलब तोड़ते हैं। तो अगर ये जो है ये वाला जो है डी वन है, तो मैं इसे मान लेता हूँ ये D1 है, ठीक है, और D1 इज इक्वल टू मैंने मान लिया कितना 10, ठीक है, D1 पूरा 10 है, ये पूरा 10 है। तो ये वाला जो एरिया है ये इतने इतनी वाली लेंथ है, ये कितनी हो जाएगी 5 इधर हो जाएगी, 5 इधर। इसी तरह मैंने माना D2, D2 मैंने मान लिया 8, और D2 कहाँ है मेरी, D2 है ये वाली, ये वाली, इतनी वाली और इतनी वाली, तो 4 ये हो जाएगी और 4 ये हो जाएगी, समझ गए। तो D1 और D2 मैंने माने 10 और 8, इसका मतलब ये कि ये वाली जो भुजाएं, कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था यहाँ पे लिखने का कि ये वाली जो भुजाएं वो बराबर होगी किसके, इसके, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये बराबर होगा इसके, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई, क्या क्या पता चले कि पेरीमीटर तो होता है 4a, ठीक है। इसके बाद में मुझे पता चला एंगल B, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर, एंगल B इज इक्वल टू होता है सेम होता है एंगल D के, एंगल D से डिनोट कर रहा हूँ इस कॉर्नर को, ठीक है, एंगल B को इससे, ठीक है। सेकंड पॉइंट मुझे मिला एंगल A, एंगल A बराबर होता है एंगल C के, ठीक है, याद रखना ये सेकेंड पॉइंट हो गया। इनमें से जो मेन होगा वो मैं बता दूंगा, अभी सिर्फ देखते चले और कुछ नहीं करना, ठीक है। और क्या कर सकते, और हम बोल सकते कि ए बी, यहाँ से एक पॉइंट मान लो ओ, ठीक है, ए ओ बराबर होगा ओ सी के, ठीक है, क्या होगा ए ओ, सेंटर में ओ है, सेंटर वाला पॉइंट जो है वो ओ है, तो ए ओ बराबर होगा, ए ओ बराबर होगा कहाँ से ओ सी, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा। बी ओ बराबर होगा किसके, ओ डी के, बी ओ बराबर होगा किसके, ओ डी के, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट तो हो गए, ये तो बस पता होनी चाहिए, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो इसके एरिया की, एरिया अगर हमें निकालना है, ध्यान से समझना, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 बट्टे में 2। डिटेल में हम बाद में चलेंगे, अभी आपके लिए जो जरूरी पॉइंट है वो मैं लिखा देता हूँ। एरिया हमें निकालना है तो डायगोनल के थ्रू कैसे निकालेंगे, D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल हमें पता हो उसका आधा कर देंगे, वो क्या हो जाएगा एरिया। अच्छा और कैसे एरिया निकाल सकते, एरिया हम निकाल सकते और कैसे, बेस इंटू साइड से, बेस हमें अगर पता है, बेस मतलब एक भुजा पता है, और इंटू हाइट पता है, इसकी हाइट पता है, तो बेस में गुणा कर देंगे हाइट का, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा इस रोमबस का, ठीक है। अच्छा और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, एक और आपको पॉइंट बताते हैं भुजा निकालने का, या फिर
ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रहेगा। 4a² इज इक्वल टू होता है क्या, d1 का स्क्वायर, ठीक है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, क्या होता है, 4a² इज इक्वल टू होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये तीनों पॉइंट आप जो है ध्यान से नोट कर लीजिएगा, डायगनल 1 का स्क्वायर और डायगनल 2 का स्क्वायर काम में कब आएगा, जब हमें भुजा निकालनी है, काम में कब आएगा, जब हमें भुजा दे रखी, एक डायगनल दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है, तो उस केस में दूसरा विकर्ण पूछे, ठीक है। तो बहुत सारे, बस इसमें जो आप लोगों को पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये तीनों याद रखने, बाकी के तो 4a पेरीमीटर सबको पता होता है, ये एंगल है इसके बराबर है, ये भी सबको पता है 90 डिग्री पे है, ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा, तोड़ेगा, ठीक है, ये इक्वल रहेंगे ये वाला और ये वाली लेंथ, ठीक है, ये एंगल दोनों बराबर होंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है, ईजी है। जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें जो पॉइंट क्लियर थे वो सिर्फ ये तीन पॉइंट याद रखें, ठीक है, डी डायगनल है और कुछ नहीं है, मतलब विकर्ण है। क्वेश्चन नंबर 172 की ओर ही चलते हैं, जो हमें दिया गया था, ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रम से, एक विकर्ण d1 दिया है 32, एक विकर्ण मैंने मान लिया d1 और वो दिया 32, एंड d2 दिया हुआ है हमें कितना, क्वेश्चन में दोनों चीज गिवन है d1 एंड d2, d2 दिया हुआ है 24। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला ध्यान से देखिएगा, तो सम चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। अब परिमाप कैसे निकाल सकते भाई, देखो एक मैंने रोम्बस बनाया, ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को फॉर्मूले तो लिखा दिए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। एक डायगनल यहाँ से नाम दे दो ABCD, ठीक है, एक डायगनल, एक विकर्ण जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। मैंने एक बात बोली थी, ये वाली जो लेंथ होगी ये इसके बराबर होगी, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। एक बात बताओ, D1 मैंने 32 मानी, ये BO ओनली कितनी हो जाएगी, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो 32 का आधा कितना होगा भाई, ये 16, ये हो गया तो 16 ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसकी बात करूँ 24 है, तो 24 का आधा AO, ये जो 24 है वो पूरा होता है, तो आधा कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया और 12 ये हो गया। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए मुझे चाहिए एक साइड, और साइड का इंटू कर देंगे 4 में, तो हमारे पास पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते भाई, देखो सिंपल सा एक फंडा है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते, कोई भी एंगल उठा लो, ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है, ये 90 डिग्री पे, ओके, तो अब इसी ना में समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी हाइपोटेनस, कर्ण हो जाएगी यहाँ पे, ये हमें फाइंड आउट करनी है, एक साइड मिल जाएगी, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस साइड को मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है, ये वाली जो साइड है वो ए है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये वाली कितनी दी गई है 16, और बेस कितना दिया गया 12, ठीक है। अब ये कितने का है 90 का, अब ये हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमने बचपन से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का कितना हो जाएगा 256 प्लस 12 का 144, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस कर लो जी 6 4 10, 1 कैरी 5 4 0, 1 कैरी 400, तो ए इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 20, वो साइड स्क्वायरिंग करने पर रूट लग जाएगा, रूट लगने के बाद बाहर आएगा कितना 20, तो एक साइड निकल के आगे 20, ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है, क्योंकि वर्ग का भैया ही, भैया नहीं है वर्ग ही है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया लात मार के, ठीक है। तो 20 20 20 20 कितना हो गया पेरीमीटर, अगर मैं बात करूँ तो परिमाप की बात करें तो कितना होता है 4a होता है, 4a, तो 4 इंटू कर देंगे कितना, a कितना है 20,
तो 4 × 8 मतलब 80, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर फॉर्मूला बेस करना चाहते हो तो फॉर्मूला बेस भी कर सकते हो, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे इस्तेमाल कराएंगे, टेंशन मत लो। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 173 की ओर, ठीक है। देखते हैं 173 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 173 देखिएगा क्या बोल रहा है। सबसे पहले एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 40। अच्छा, परिमाप होता क्या है रोमबस का? 4a होता है। क्यों? क्योंकि भाई वर्ग का ही तो शेप है वो। ओके, तो 4a इज इक्वल टू कितना दिया है? 40। तो एक भुजा कितनी आ जाएगी? 10। एक साइड निकल के आ गई अपनी, तो मजी आ गई जी, ठीक है। तो एक हमारे पास रोमबस है और रोमबस की एक साइड हमें पता चल गई कितनी है, 10 है। तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन वो देखिएगा। तो क्वेश्चन ने बोला है एक विकर्ण, दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई है 12, एक की लंबाई है 12, इस पूरे की लंबाई है 12, ठीक है। तो हमसे पूछा गया दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए देखो आपके पास दो रास्ते हैं, क्या? एक तो राइट एंगल वाला है, वो कैसे? अब देखो यहाँ से एक विकर्ण हमें पता है 12 है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक डायगोनल खींच देता हूँ D2, इसका नाम मैंने दे दिया D2, ठीक है। ये है 12, 12 का आधा कर दो भाई दोनों जगह पे विभाजित, दोनों जगह पे 6 का हो गया। एक भुजा पता है, ये भुजा पता है, ठीक है। ये कितने का है? 90 डिग्री का, हो गया अपना काम। या फिर इसे सॉल्व करना चाहो तो इससे सॉल्व कर लो, ये कितने का भाई? ये भी 90 का है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा सीधे सीधे? ये हो जाएगा 10 और ये है 6 और ये हमें फाइंड आउट करनी है D2 है। तो ये वाला जो पार्ट था मैंने बाहर लिया और इसका अब हमें क्या निकालना है? सिर्फ ये वाला। जैसे ही ये निकल जाएगा तो ये वाला पार्ट निकल आएगा आधा, और आधे का ही मैं डबल कर दूंगा तो डायगोनल विकर्ण दूसरा निकल आएगा। क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। तो अब कर लेते हैं भाई, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, ठीक है। 100 इज इक्वल टू कितना होगा? 6×6=36, ठीक है। प्लस D2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 36 इधर लेके आएंगे, बचेगा कितना? 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर D2 की वैल्यू आ जाएगी 8। अच्छा, D2 की वैल्यू 8 आ गई, समझना। D2 की वैल्यू 8 आ गई, मतलब ये वाली जो D2 है ना वो पूरा नहीं है यहाँ पे। ये जो है मैंने सिर्फ इतना माना है, ये जो D2 है सिर्फ मैंने इतना माना है, आधा निकल के आया है, ठीक है। D2 जो है इतना निकल के आया, या फिर किस कुछ और नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने का एरिया जो है कितना है? 8 है। तो पूरे का कितना हो जाएगा? 8×16। तो सीधी सी बात है, डायगोनल अगर हम पूरा निकालें, इस पूरे को मैं बोल देता हूँ डी, ठीक है। इस डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 × कर देंगे 2, तो 8×2 कितना हो जाएगा? 16। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा है, आप D2 की जगह पे X मान लो, A मान लो, B मान लो, C मान लो, D मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। समझो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 174 की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप है, परिमाप दिया है 40, तो 4a की वैल्यू दी गई है 40। अच्छा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, मतलब a क्या होता है? मेरा साइड होती है, ठीक है, सबको पता है। ओके, आगे दिया हुआ है हाइट, h इज इक्वल टू दी गई है 5। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, h मतलब होगी हमारी यहाँ पे हाइट। अगर मुझे रोमबस का एरिया निकालना है तो एरिया हमें एक डायरेक्ट पता होना चाहिए, वो क्या कि साइड में या बेस में इंटू कर दूँ किसका? हाइट का।
साइड को मैं यहाँ पे बेस भी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो रोमबस जब बनता है ना तो नीचे वाली साइड ही, एक तो ये साइड हो जाएगी, या फिर बोल सकते हैं इसे बेस नीचे वाली को, लेकिन रहेगा तो सेम ना। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा कितना, एरिया इज इक्वल टू साइड कितनी है मेरी 10 है, 10 इंटू हाइट कितनी है 5 है, तो कितना हो जाएगा 50। जो भी यूनिट है उसका वर्क कर देंगे, यूनिट देख लेते हैं मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लगा दीजिए, तो उस रोमबस का एरिया क्या हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने ये पॉइंट लिखाया था साइड इनटू हाइट वाला, ठीक है। जब हमें दोनों चीज़ें क्वेश्चन में इजीली गिवन है तो दोनों का गुणनफल ही एरिया होता है, नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। 175 क्या बोल रहा है ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 175 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें गिवन है 150, एक विकर्ण की लंबाई 10 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो एक एरिया वाला फॉर्मूला लिखा है था मैंने, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है D1 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 बट्टे 2। एरिया हमें गिवन है इसमें, वो कितना गिवन है भाई 150, तो 150 एरिया की जगह पे। अच्छा D1 कितना गिवन है, एक विकर्ण दे रखा है, कितना है 10 है, इंटू D2 हमें फाइंड आउट करना है बट्टे में 2 है, 2 से 2 पंजे 10, 5 से 5 थी 15, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई जी, D2 इज इक्वल टू आ जाएगा 30। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, समझ गए। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और वीडियो अगर फर्स्ट टाइम वॉच करो तो स्टार्टिंग से देखिएगा जिससे समझ में आ जाए, बीच में से जंप करोगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 176 की ओर चलते हैं, और वीडियो आप लोग कंप्लीट नहीं देखते हो प्लीज़ कंप्लीट देखा कीजिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बीच में से जंप करोगे तो नहीं आएगा इतना। क्वेश्चन ने बोला है 2√3 भुजा वाले, ठीक है, षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे हेक्सागोन की बात हो रही है, हेक्सा का मतलब होता है 6 भुजा वाला, ठीक है, एक भुजा हो गई, 2 भुजा हो गई, 3 भुजा हो गई, 4 भुजा हो गई, 5 भुजा हो गई, 6 भुजा हो गई, 6 भुजा हो गई। अगर मैं इसमें टुकड़े करूँ तो ये हमारे पास क्या बना के देता है, याद रखना ये जो पॉइंट सेंटर से जो पॉइंट गुजरते हैं ये हमारे पास दे देता है एक त्रिभुज की बात करूं तो मैं, एक जो त्रिभुज होता है यहां पे, ये कैसा होता है त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, तो इंटू साइड का स्क्वायर। एक बात बताओ, यहाँ पे हेक्सागोन की बात हो रही है, 6 ही मेरे पास, और ये जब 6 हैं तो इनका जो एरिया होगा वो सब में एक एक के बराबर होगा, मतलब एक एक के रेशियो का कहने का मतलब है सबका एरिया बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मुझसे पूरे का एरिया पूछा है तो मैं एक का निकाल लूँ इंटू 6 का कर दूँ, अपना काम बन जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे साइड पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में देखें हमें साइड दे रखी है, हाँ 2√3 दे रखी है क्वेश्चन में हमें गिवन है, साइड इज इक्वल टू कितना है 2√3, वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, पहले एक का निकाल लेते फिर इंटू 6 कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, ठीक है, तो 2 2 जा 4, इस वाले 2 2 4 से ये 4 गया, √3 में √3 का गुणा करेंगे 3 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा ओनली 3, तो कितना हो जाएगा 3√3। 3√3 जो एरिया निकल के आया वो ओनली इसका है, लेकिन मुझे चाहिए इस पूरे का, तो इस पूरे का कंप्लीट का एरिया निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, इंटू 6 का, तो इसमें इंटू 6 कर दूंगा तो 6 3 18 हो जाएगा 18√3, 18√3 जो भी यूनिट है वो यूनिट चिपका दे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा, तो 18√3 मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, नोट कीजिएगा प्लीज। समझते चलिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे आप जो बिल्कुल हाईलाइटेड करके रखें अपनी रफ कॉपी या फेयर में, जो भी कॉपी बना रहे हैं आप, ठीक है, या फिर मैं खुद ही बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट याद करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं, 177 की कहानी,
ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है किसी सम चतुर्भुज, ठीक है, कि भुजा 6.5 है, एक हमें साइड दे रखी है, तो ए इज इक्वल टू दे रखा है हमें कितना 6.5, कितना दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 6.5, तथा उसका शीर्षलंब मतलब हाइट दे रखी है कितनी, शीर्षलंब हमें हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, देखते रहना यूनिट भी। यदि उसका एक विकर्ण है 26 सेंटीमीटर, एक विकर्ण मतलब D1 दे रखा है 26 सेंटीमीटर, अच्छा तो पूछ क्या रहा है दूसरा विकर्ण, और तो कुछ पूछेगा नहीं, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो D2 की वैल्यू पूछिए, यही क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भाई, मैंने स्टार्टिंग में कराया था जहाँ 172 क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या है, अगर D1 D2 होते तो हम एरिया निकाल लेते, ठीक है, अब D2 तो है नहीं है, D2 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं भुजा में हाइट का गुणा कर दूं, भुजा में हाइट का गुणा कर दूं तो एरिया निकल आएगा। भाई मैंने अभी बताया था कि एरिया यहां पे अगर आप चाहो तो हमारे पास अगर साइड है, अगर साइड है और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू, साइड कितनी है भाई हमें पता है 6.5 है, हाइट कितनी है भाई 10 है, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। 65 कैसे हो गया भाई, ये जो पॉइंट लग रहा है ना, इस पॉइंट से ये 10 कट जाता है, ठीक है, बचा कितना ओनली 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ जी, एरिया इज इक्वल टू, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला सिंपल सा था, एरिया इज इक्वल टू D1 इंटू D2 बाई 2 लिखाया था कि भूल गए, तो एरिया हमें पता है, D1 पता है, D2 निकालना है, निकाल सकते हो बिल्कुल, एरिया कितना है भाई 65 है, समझना, टुकड़ों में करा रहा हूँ, चाहो तो इन दोनों को बराबर रख के भी कर सकते हो, तो दिक्कत होगी उसमें, ठीक है। एरिया हमने निकाल लिया 65, ठीक है, D1 हमें पता है कितना है 26 है, ठीक है, इंटू D2 तो हमें पूछा गया बट्टे में 2 है, 2 से काटेंगे 13 बार, 13 पंजे 65 होता है, तो D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यह हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़े बहुत पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपल। तो 5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फटाफट से नोट कीजिएगा। और अभी तक आपने मैथ स्पेशल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। ओके 178 की ओर चलते हैं, 178 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 178 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला किसी सम चतुर्भुज के दो विपरीत कोण 60 डिग्री के, ठीक है, एक रोम्बस बनाया, रोम्बस के दो विपरीत कोण, एक ये वाला एक ये वाला, ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री, एक बात बता दूं जी, ये 60 है ये 60 है, ठीक है, अगर मैं इसे बीच में से तोड़ दूं, ठीक है, तो ये रोम्बस के केस में क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो बराबर होगा इसके एरिया के, क्यों होगा, क्योंकि देखो ये वाली साइड बराबर होगी इसके और ये साइड बराबर है इसके, या फिर ये बराबर है इसके, चारों साइड बराबर है, एक ये एंगल भी बराबर है, जब एंगल बराबर है और साइड भी बराबर है, एरिया तो बराबर है ये, और ये दोनों में कॉमन है, तो सीधी सी बात है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 है। अब यहां से अब देखते हैं जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें तो पता भी नहीं क्वेश्चन ने क्या बोला, वो देखो, तथा उसकी भुजा हमें दी गई है, भुजा एक भुजा दे दी है, कितनी है 10, एक भुजा दे दी 10, एक बात बताओ जी, ये 60 ये 60 ये 60 तीनों 60 60 60 हैं, तीनों 60 60 60 हैं, कब देखा था हमने ऐसा, लास्ट टाइम याद करो कब देखा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में हमने देखा था, तो एक चीज और देखी थी कि उसमें तीनों भुजा समान होती हैं जी, तीनों भुजा कैसी होती है, समान होती है, मैंने ये वाला पार्ट निकाला है, अच्छा ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 10 है नीचे वाली तो ये तो 10 होगी, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, तीनों एंगल बराबर है, तीनों एंगल बराबर क्यों, क्योंकि साइड और कॉमन की वजह से, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन ने पूछा गया हमसे 179, तो सम क्वेश्चन ने पूछा है
तो छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, मतलब इस वाले की, छोटे वाले की डी टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसकी तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये कितनी है भाई, 10 ही तो है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कीजिएगा, 10 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 179 की ओर चलते हैं। 179 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं अच्छे से समझना। 179 ने क्या बोला है देखिएगा, किसी सम षटभुज का परिमाप दिया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप है 4a इज इक्वल टू कितना है 100। ओके, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। एक साइड मुझे मिल गई कितने की, 25 की। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि उसका एक विकर्ण हमें पता है 14 है, D1 इज इक्वल टू पता है 14 है, तो हमसे पूछ के रहा है तब समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा रोम्बस का, तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करना है तो अब क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर D1 गिवन है और A गिवन है, मतलब एक भुजा गिवन है और हमारे पास D1 गिवन है। देखो डायग्राम बनाते हैं, शायद कुछ आइडिया मिल जाए। ठीक है, ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब सिंपली एक काम कर सकते हैं, वो क्या भाई, क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ये जो डायगनल है ना, डायगनल पता है, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, ये 7 है, ये 7 है, ये कितना है 25 है, भुजा 25 है, भुजा 25 है, भुजा 25 है, भुजा 25 है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये आधा निकाल लेना है। ठीक है, आधा में मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसका जस्ट डबल कर देंगे, तो हमारे पास d2 निकल आएगा, और d2 निकल आएगा तो हमारा एरिया भी निकल आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, सीधी सी बात है, एक राइट ट्राइंगल बन गया, ये है मेरा 25 और ये है मेरा 7, ये हमें x मान लिया। ठीक है, ये सिर्फ इतना वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट लिया मैंने। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं समझना, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ इतनी आएगी, उसका डबल कर देंगे तो पूरा डायगोनल d2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग मतलब 625 इज इक्वल टू 77 जा 49। ठीक है, 77 जा 49 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, इसे इधर लेके आऊँ तो माइनस कर दूँ 49, बचेगा कितना, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, यहाँ बचा 1, एक बचा कैरी ली, 4 गई तो कितना बचा 7, यहाँ कितना 576। ठीक है, 576 इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा आ जाएगा एक 576 होता है कितने का, 24 का, कितने का होता है, एक्स की वैल्यू निकल आई 24। अब एक्स की वैल्यू अगर 24 निकल आई, ये कितनी है भाई, ये जो निकल के आई 24, ये इतना पार्ट 24 का है, इतना पार्ट कितने का है 24 का, और ये भी 24 का, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा 24 दुनी 48, तो d2 निकल के आ गया 48। एरिया क्या होता है भाई, एरिया आप लोगों को पता है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, एरिया इज इक्वल टू d1 into d2, d1 कितना है मेरा, d1 है 14 इंटू d2 कितना है 48 है, बट्टे में 2 कर लो जी, 2 से भाग कर दो, 2 7 14, 7 8 56, 56 की 6, 5 कैरी, 7 4 28, 28 और 5 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो इसमें भी कुछ नहीं था, सीधे सीधे हमने एक भुजा निकाली, भुजा निकालने के बाद बस 336 का हमारा आंसर आ गया, 336 ऑप्शन नंबर सी, नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 180 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180 देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी समलंब कि समांतर भुजाओं का अनुपात, अब यहाँ पे जो हमें दिया त्रिपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे। ठीक है जी,
मैंने ऐसे मान लिया ए बी सी डी। अच्छा पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे अगर एच की बात करूँ तो एच क्या है मेरी, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरिया की अगर मैं बात करूँ तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बाई टू। याद रखना हर जगह पे चेंज मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन याद रखना यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू हाइट का आधा, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस सी। ए प्लस सी, ए प्लस सी क्या है, समांतर भुजाओं का योग है जी। मतलब ये दोनों जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, एक ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, ए एंड सी पैरेलल है, ए जो है पैरेलल है किसके, सी के, याद रखना। ठीक है, ये इसके पैरेलल है क्योंकि हाइट दोनों तरफ सेम है। जब जहाँ इक्वल डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में तो क्या होगा, ए और सी पैरेलल हो जाएगी। तो ये ए और सी जो है ये क्या है मेरे पास, समांतर भुजाओं का योग है, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, जो समान है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं पैरेलल जो लाइन है उनका योग है जी। देख लेते क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस यहाँ पे इतने से काम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन ने बोला कि किसी समलंब की समांतर भुजाएं जो पैरेलल लाइन है उनका जो है अनुपात गिवन है, अनुपात गिवन है ये और ये गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो अनुपात गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, अनुपात गिवन है। तो सीधी सी बात है, ये हमें दिया गया है कितना, कितना दिया गया है 2x, कितना दिया हुआ है 2, और ये C वाला मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है हमें, रेशियो में 3। तो मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूँ 2x और 3x, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। ठीक है, 2x और 3x मैंने मान लिया, 3 और रेशियो 2 दिया है, तो छोटी वाली मैंने 2 मान ली, बड़ी वाली 3 मान ली। ओके, एच इज इक्वल टू हमें दिया गया है 15, क्वेश्चन में गिवन है 15। ठीक है, तो क्वेश्चन ने एरिया भी दिया हुआ है, एरिया गिवन है इस पूरे का, एरिया एरिया हमें गिवन दे रखा है कितना, 450, कितना गिवन है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 450 हमें एरिया भी दिया गया है। ठीक है, 450, तो अब क्या लगा सकते हैं, सीधी सी बात है, एरिया पता है, एच पता है, ए प्लस सी, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि समांतर भुजाओं का योग, ए प्लस सी पूछा है, तो ए प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया कितना हो जाएगा मेरा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 450, ध्यान से समझना, इज इक्वल टू एच कितना है मेरा 15, बट्टे कितना है 2 है, ए प्लस सी मतलब ए और सी ये समांतर भुजाएं, तो 2x और 3x कितना हो गया भाई, 5x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे 15 से 15 या 45, मतलब कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, 2 का कैची गुणा होगा तो 30 दुनी 60 हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 60। अब आप बोलेंगे तो क्वेश्चन ने यही तो पूछा, समांतर भुजाओं का योग, इसका और इसका योग ही तो पूछा भाई, x की वैल्यू निकाल कर या तो गुणा कर दो, x की वैल्यू निकालो, 5 से काट दो 12, 12 का गुणा इसमें, 12 का गुणा इसमें, 12 तीन 36, 12 दूनी 24, 36 और 24 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 5x यहीं पर रहने दो, समांतर भुजाओं का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 3x प्लस 2x, तो हमें जो वैल्यू निकालनी वो कितनी निकालनी है, 5x की वैल्यू निकालनी थी, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 60। तो कुछ है नहीं, बस आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है मेरी तरफ से, हाइट का आधा कर देंगे, समांतर भुजाओं को ब्रैकेट ले लेंगे, और कुछ नहीं है, एरिया यहाँ से निकल के आ जाएगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ओके, चलो तो फिर अब हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।